सुबह हमारा
तबन्नों अच्छा लड़का देख के शादी करे। हमारे पागल साहब का शादी करे सरे, हम जान गए, हम समझ गए, एक रंडिक रही हो यादव खराब, इही से कर भाई अपन इज्जत मान सम्मान बचा। हमारे पागल बेटवा के साथे कई ढेर सारे शादी छोड़ के ना।
जावे मर जावे मंजूर है लेकिन घर ना छोड़ के जावे। ठीक है इधर आ। ये हमारे लाल बहादुर साहब आ गए जो कि मुरीपुर के निवासी आप साहब, और साथ ही साथ वही हमारे चाचा साहब आ गए जो कि या मुरा चाचा साहब जो कि 11-11 रुपये दे रहे हैं। कहा था हम आई जिस गोबर को पाथते हैं उसी को कंडी कहते हैं, जिस गोबर को पाथते हैं उसी को कंडी कहते हैं, तुझ ऐसी जो घर में माए तुम्हें को रंडी कहते हैं। लेकिन अगर तुझे मेरे घर में रहना है, अगर तुझे मेरे घर में रहना है तो मेरे इशारों पर काम करना होगा, जो मैं कहूंगी तुझे वो करना होगा। अगर मेरे खिलाफ और कोई कदम उठाई, कोई आवाज उठाई तो ये जान ले मुझसे बुरा कोई नहीं। बोल जो मैं कहूंगी वो करेगी, अपनी मनमानी करेगी। सासुबा आप तो कहोगी मैं सब करूंगी, उसके सिवा मैं कुछ नहीं करूंगी, हर काम करूंगी मैं। चल चल चुप हो जा ले, ये बुलक बुलक रोना छोड़ दे, मेरी बात को सुन संजवा, एक लिया जा ऐसी कई गारंटी से कि चल के पहले 2 बाल्टी पानी हमारे खातिर गर्म कर। संजवा आम आई एक रंडी हम जान से मार गए, लेकिन हम ही सोचे कि अगर एक हम जान से मार जाओ घर से भगाए दे तो कल अगर विनोद बेटवा हमार हमसे पूछी एकरे बारे में तो हम का जवाब दे रे। का जवाब देबू, लेकिन तोरे तोरे पूरा आरमान पे पानी फेर उठा। हाँ रे बचावा, तू सोचे रहू भैया का बियाह करब, शादी करब, भैया का बियाह करब, ढेर के दहेज लेब, ढेर सारा दहेज लूंगी। अब दहेज ना बाबा जी घंटा लू गाड़ी देवत मरब मुंह तोड़ जाई महारानी गाड़ी। हम बोलबाई ना करब जा। चलाओ देखी गिरंडी घर में गई है, काम करती है कि आराम करती है। आ चल संजय, तुम कैसे हो? हाँ मैं ठीक है भैया।
लेके संजय। हाँ भैया। आज मैं कुछ सुना हूँ यार। क्या सुने भैया? मेरे घर में मेरी छोटी बहू आई। आयो भाभी तो आई है हो। लेके संजय। हाँ। मुझे आप कुछ तकलीफ है। तकलीफ? हाँ। क्योंकि ये जितने भाई गांव के लोग हैं, माँ बहन बेटियां जाकर बोलते खाई भूख में कुछ दे रहे हैं। और देंगे ही। लेकिन संजय मैं ये सोचता हूँ यार, मैं क्या दूँ, मेरे पास कुछ है नहीं यार। कुछ नहीं है आपके पास? कैसे होगा? का बताई भाई, हमारे लाए कुछ नहीं है भैया, कि गौना वाले हमका सब लूट लेने हो। उनका लोड लाए तो उनका खुदा लोड के बैठा है। लेकिन पैसा कौड़ी नहीं है भाई, ने मदद करी भाई करा। तो कैसे होगा संजय? कैसे हम का बताई भैया, ना हो चली कहूँ भैंस खोल ले। हाँ ठंडी का महीना आएगा, लहाएगा का करेगा, जोन जोन लाठी मार दे ही ना। चलना चाहते हो? ये अंगूठी देख रहे हो ना? अंगूठी? ये अंगूठी मेरी माँ की निशानी है संजय। और ये आखिरी निशानी है भैया। हाँ मैं चल रहा हूँ इसको बाजार में बेच करके, जो पैसा पाऊंगा मैं उसी पैसे से कुछ खाई करूंगा संजय। आओ चला और चले बाजार। जय संजय बाबू, जय शंकर। बेटा बोलो, अरे इतनी जल्दी ब्याज कैसे? क्या बात है भाई, तो आप जानना चाहते मैं कहां जा रहा हूं? हाँ बेटे, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि मेरे घर में मेरी छोटी बहू आई है, यानी तुम्हारे घर में छोटी बहू आई हुई है। और इतने गाँव लोग है, माँ बहन बेटिया सभी जाकर बोलते खाई पीने में कुछ दे रहे हैं यार। अरे शुभ अवसर पर हाँ सारे गांव के लोग बोलते खाई देते होंगे, लेकिन मैं सोचता हूँ मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं क्या दूँ उनको खाई पीने में। बेटे अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं तो जब तक तुम्हारा जगह चाचा दुनिया में सलामत है। क्या कहना चाहते हो? सौ से कहो मेरे लाल, सौ से कहो। ये बूटी मेरी माँ की निशानी है, मैं चल रहा हूँ उसको बोला बेच करके, जो पैसा पाऊंगा मैं उस पैसे को दिखाई करूंगा। ऐसा नहीं करोगे मेरे लाल, तो तुम्हारे माँ की तू ही अंगूठी निशानी है, निशानी को तुम नहीं खत्म करोगे। तुम बोलो मुझसे कितना रुपए की जरूरत है,